अपन जा रहे हैं इस ऑटो के अंदर, सारी वोल्वो बसें प्राइवेट बसेस यहीं से आपको पिकअप करेगी और इस जगह को कहते हैं नेपाली फार्म। इलेक्ट्रिक बस है, अंदर जा रहे हैं बस के, ये बस है, सीट देखने में तो कंफर्टेबल लग रही है। वैसे देखो इनकी खपी ट्रपन भाई, बहुत जबरदस्त लेग स्पेस दे रखा है, पूरी लेदर वाले कवर लगे हुए हैं, बैग वगैरह रखने की जगह। हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। मैं रोहित, मैं हूँ ऋषिकेश में और चेकआउट अपन ने कर दिया है शैलोम बैकपैकर से और यहाँ से अपन जा रहे हैं दिल्ली। सांस तक रहे क्योंकि पीछे ही बैग है, आगे ही बैग है, साथ में आगे भी समर्थ चल रहा है, उसके पास ही बैग है और पीछे दो बंदे अपने आ रहे हैं। अपन ने तपोवन के अंदर और तपोवन से हम जाएंगे नेपाली फार्म। ये एक जगह है तो तपोवन से ये पड़ती है आधा किलोमीटर दूर और वहाँ से हमारी जो बस है, बस अपन ने करी थी न्यूगो करके है कंपनी कोई, तो वो करी थी हमने, तो उस बस को लेके अपन जाएंगे सीधा दिल्ली। और विवेक और साध आ रहे हैं पीछे, अपन यहाँ वेट करेंगे तब उनके कोने पे ऑटो कर लेंगे, इतने ऑटो आएगा तो, और फिर चलते हैं आगे। तो भाई बाहर आ चुके हैं हम और ये चौक है तपोवन में, इसी रोड पे अंदर जाके लक्ष्मण झूला ही पड़ता, हमारा हॉस्टल भी अंदर ही था, यहाँ से चल रहे वापस। सो भाई तपोवन से अपन जा रहे हैं इस ऑटो के अंदर नेपाली फार्म और हालत ख़राब है, गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई साहब और ऊपर से सामान इतना, ये देखो कितने बैग हैं इनके, ट्रॉली है, मेरे पीछे बैग पैक है, लैपटॉप का बैग है और गर्मी वैसी हो रखी है, सामने गंगा जी दिख रही है। तो यहाँ से हम जा रहे हैं नेपाली फार्म और नेपाली फार्म लगेगा हमें यहाँ से कम एक घंटा या डेढ़ घंटा। सो गाइस, वी आर बैक फ्रॉम ऋषिकेश एंड वी हैव अ बस फॉर लाइक 10 AM एंड बस स्टॉप इज काइंड ऑफ फार अवे फ्रॉम ऋषिकेश, इज अराउंड लाइक 15 किलोमीटर फ्रॉम तपोवन। सो वी टुक अ फेयर विक्रम और समथिंग टेम्पो, लाइक चार्जेस अराउंड 800 rupees फॉर अ फोर टेम्पो और 100 rupees पर पर्सन। सो वी रीच बिफोर टाइम, लाइक बिफोर 1.5 hours बिफोर एंड नाउ वी आर वेटिंग फॉर आवर बस एंड वी आर वेरी होपफुल दैट देयर वॉज नो रश अराउंड दैट टाइम। सो मे बी इफ देयर वॉज रश मे बी वी टुक अराउंड 2 hours, सो वी आर ग्रेटफुल दैट देयर वॉज नो रश। सो अब अपन यहाँ उतरते, अपनी बस आएगी, पहले कुछ नाश्ता पानी करते हैं, डेढ़ घंटा है अपने पास तो अपनी बस आएगी, उसका वेट करेंगे, खाना पानी लेते हैं थोड़ा सा और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। सो भाई डेढ़ घंटे बाद हम पहुँच चुके हैं नेपाली फार्म, ये जहाँ ऑटो खड़े हैं ना यहीं पर हमें उतारा था ऑटो ने और इस जगह को कहते हैं नेपाली फार्म। अगर आप वोल्वो बस अगर आप बुक करते हैं ऋषिकेश से दिल्ली जाने के लिए तो जो नेपाली फार्म जगह है वो यहीं है क्योंकि सारी वोल्वो बसें प्राइवेट बसेस यहीं से आपको पिकअप करेंगी, ऋषिकेश के अंदर कोई नहीं जाता, सब नेपाली फार्म से करते हो। चलो आगे चलते हैं, वेट करते हैं थोड़ा बस का भी हम। तो भाई बस आ गई है हमारी, ये है न्यू को इलेक्ट्रिक बस है और इसका किराया विराया जो भी लगा है मेरा वो सारा बताऊँगा, पहले अपना सामान वामान रखते हैं हम इसके अंदर और बस में चलते हैं और अंदर से दिखाता हूँ आपको बस कैसी है, आते टाइम मैंने दिखाई थी वैसे तो बड़ी प्यारी, फिर भी दिखा देता हूँ आपको। तो भाई सामान रख रहे हैं अब, देखो भाई आएगा आ तो जाएगा, वैसे इन्होंने पार्ट पार्ट रखे हैं, ये इसमें दिल्ली का, उसमें कहीं और का, हाँ भाई चार हैं, तो चलो भाई अंदर चलते पहले। तो भाई अंदर जा रहे हैं बस के, ये बस है न्यूगो इलेक्ट्रिक बस और साफ़ सुथरी बस है, देखो ये यहाँ की सीट वगैरह, भाई सीट देखने में तो कंफर्टेबल लग रही है वैसे, और लास्ट की सीट है हमारी, देखते क्या बैक स्पेस वगैरह लेग का। तो भाई आगे ये देखो इनकी खपी ट्रपन, यो So guys, we are finally on bus. New bus is fully electric and look good and looks comfortable. Let's see how it will drive. Comfortable than the last bus. ज़्यादा space है ना? Yeah. So भाई ये मेरी seat है और जो सेकंड लास्ट सीट है इसमें मतलब लेग स्पेस ठीक है, मतलब मैं अगर टोटल मिला के बोलूँ ना तो वोल्वो जो बस है उससे लाख गुना इसका अच्छा है। बैक सीट का देख रहे हो, मतलब इतना तो कभी नहीं देखा मैंने किसी बस में और भाई बहुत ज़बरदस्त लेग स्पेस दे रखा है, मतलब भाई हाईली रिकमेंड है, इलेक्ट्रिक बस में जाओ, सस्ती पड़ेगी और कम्फर्टेबल भी रहेगा आपको इसमें ट्रेवल करने के लिए।
और भाई सीट देख लो, सीट दिखा रहा हूँ आपको कितनी सही है, पूरी लेदर वाले कवर लगे हुए हैं सीट के ऊपर, पूरी लेदर वाली सीट है और कंफर्टेबल है, बहुत सही सीट है। और दूसरी चीज ये देखो, ये वोल्वो वाला सिस्टम दे रखा है कि आप पैर के नीचे इसको लेग के मतलब लंबा अगर आपको लेटना हो तो इसको भी आगे कर सकते हो, मैं भूल गया सॉरी क्या बोलते थे, लेग के लिए होता है ये, तो मतलब बहुत सही है। और सामने ही ग्लास ब्रेक करने के लिए दे रखा है, और ये इधर दे रखा है अपनी बोतल वगैरह रखने के लिए, जैसे सामने एक बोतल रखी है ना, सेम टू सेम यही। सो भाई सीट आपको दिखा दी, कंफर्टेबल दिखा दी, आप बारी है एसी की, तो एसी का सिस्टम बिल्कुल ऊपर ही आपके रेड बटन है, ये इमरजेंसी का है, और ये नीचे की तरफ खोल रखे हैं अपने आपके ऊपर डायरेक्ट। और इसकी जो स्पीड है ना बहुत सही आई है, देखो स्माइली फेस का बना रखा है, वाइट है ना जो ये लाइटिंग वाला सिस्टम है, इसके अंदर लाइट होती है, और जो एसी की हवा है ना वो वोल्वो से ज़्यादा मतलब ब्लोअर अच्छा है, उसका स्पीड अच्छी है तो नीचे सही आती है। ये रखने की जगह देखो सामान की मतलब काफ़ी एक्सपेंड किया है इन बस वालों ने, तो मतलब ओवरऑल अच्छी बनाई है बस वोल्वो से। सो भाई बस चल चुकी है हमारी और बहुत सही है, बस भी कंफर्टेबल है। लेग स्पेस देखो, मैं बिल्कुल लास्ट वाली सीट पर आया हूँ, और अब देखो लेग स्पेस यार, इतना लेग स्पेस तो वोल्वो में कभी दे ही नहीं सकते वोल्वो वाले। और मैं बैठा था उस साइड, और ये ऊपर देखो, ऊपर जो बैग वगैरह रखने की जगह है ये भी काफ़ी एक्सपेंड की है इस बस ने, और उस वाली सीट पे इस पे मैं बैठा था, यहाँ पर भी बहुत अच्छा स्पेस है, तो मतलब ओवरऑल रेटिंग अच्छी है बस की वैसे। सो भाई फाइनली हरिद्वार पहुंच चुके हैं, आप सामने देख रहे हो ये पूरा गंगा जी दिख रही है, पहाड़ दिख रहे हैं पूरे, मनसा देवी के पहाड़ हैं शायद वो सामने वाले, और अभी हरिद्वार पहुंच गए हैं। और कंफर्टेबल भाई, सस्पेंशन अच्छा है बस का। और दूसरी चीज़ देखें ना कि यहाँ के भी जो हाईवे हैं ना भाई, देहरादून और दिल्ली वाले ऋषिकेश वाले हाईवे हैं जो, बहुत प्यारे बना रखे हैं भाई साहब, बहुत प्यारे, तो इस हाईवे पर आओ ज़रूर एक बार। और भाई ये हरिद्वार मैंने अभी दिखाया था, हरिद्वार पहुंच चुके हैं, सामने ही भोले जी की मूर्ति दिख रही है, पेड़ हट गए थोड़े से, बाकी वहाँ पहुंच चुके हैं और बहुत कंफर्टेबली पहुंच चुके हैं। बस बहुत अच्छी है, साफ़ सुथरी बस है, ओवरऑल रेटिंग मैं 10 में से 9 दूंगा, और सब चीज़ परफेक्ट है। देख लो ये रे भोलेनाथ हमारे, हर हर महादेव, ये रे वाह जी वाह, क्या दर्शन हुए हैं। सो भाई फाइनली अपन हम दिल्ली के पास आ चुके हैं, हम पहुंच चुके हैं गाजियाबाद के पास, और जो ये जिस रोड पे जिस हाईवे पे ये बस चल रही है ये है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, यहीं से स्टार्ट होता है वो, जहाँ तक मेरी नॉलेज है गाजियाबाद से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो जाता है। तो बाकी अगर वो बात करें हाईवे की, तो भाई साहब नितिन गडकरी तारीफ लायक काम किया है नितिन गडकरी ने, और मतलब बहुत बढ़िया हाईवे है, मक्खन हाईवे है, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा आप रोड पे चल रहे हो ऐसे लगता है गाड़ी हवा में चल रही है, मतलब इतना मतलब वो बनाया इन्होंने हाईवे, तो हाईवे की तारीफ है। तो अपन अब दिल्ली पहुंचने वाले हैं, तो चलो आगे दिखा देता हूं। वैसे हाईवे भी देख लो, ये पूरा रोड आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो, आपको रोड वीडियो में भी दिख रहा होगा कितना प्लेन बना रखा है इन्होंने, मतलब इसे कहते हैं A1 क्वालिटी वाले रोड, मतलब अगर पूरे इंडिया में ऐसे हाईवे छोड़ो रोड ऐसे हो जाए ना नॉर्मल, तो भाई कसम से मज़ा ही आ जाएगा, जन्नत दिख जाएगी रोड पे, एक नंबर जगह बना दी, एक नंबर रोड बनाए। सो भाई फाइनली दिल्ली पहुंच गए, सामने आनंद विहार का रेलवे स्टेशन। और अब मैं इस बस के प्राइस की बात करूं, टिकट की बात करूं, तो नियो गो इलेक्ट्रिक बस है, ऑनलाइन आपको इसकी टिकट बुक हो जाएगी, आपकी पेटीएम से भी हो जाएगी और इक्जिको से भी हो जाएगी शायद, जहाँ तक मेरा अंदर रेड बस से तो हो ही जाएगी। तो नियो गो इलेक्ट्रिक बस है, 350 रुपये से इसका किराया चालू होता है और 450 तक जाता है, 500 कभी कभी पहुँचता होगा अगर जाता होगा तो, अपने को भी 350-400 में मिली है टिकट, और हम तो फिर भी 4 जने थे, तो भाई 350 में एसी बस में ऋषिकेश से दिल्ली आने में और क्या प्रॉब्लम है, इतनी बढ़िया रेट है, रेट बहुत बढ़िया है भाई, हाईली रिकमेंड बस है, इलेक्ट्रिक बस है, दिल्ली में हम आ चुके हैं और बहुत कंफर्टेबली आए हैं, एसी बहुत प्यारा है भाई बस का, एक जगह बस रुकती है आधे घंटे के लिए, बस चार्ज होती है इसलिए रुकती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बस है यार तो उसका भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, बाकी भाई बहुत अच्छी बस है, मैं कहता हूँ इसी में ट्रेवल करो। और भाई अच्छा आ गए, लो भाई दिल्ली आ गए ISBT, अब ये भाई मेरे ख्याल अंदर तो नहीं ले जाएंगे, प्राइवेट बस है ना तो ये बाहर ही लगाएंगे, सारे दिल्ली वाले ही है, ऑटो वाले भाग लिए भाई कैच करने के लिए। तो भाई पहुंच गए, ये अपनी बस थी नियो गो इलेक्ट्रिक बस देहरादून दिल्ली वाली, जो ऋषिकेश होती हुई हमें आई थी, और भाई अपन जाएंगे सीधा सामने ISBT है, ऑटो करूँगा मैं तो भाई, मेरे बस की नहीं है मेट्रो की इतनी भीड़ में जाना। सो गाइस नाउ वी आर टर्मिनेटिंग आवर ट्रिप टू इन दिल्ली, नाउ वी अराइव्ड इन दिल्ली बाय बस, we are looking for a metro to reach our destination again to back home.
So see you again guys. Bye bye. And like, share, and of course follow this Rohit sir. Bye bye. तो चलो भाई इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं क्योंकि दिल्ली अपन पहुंच चुके हैं, अब मिलेंगे एक नई जर्नी में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम, और हाँ घूमते रहा करो।